जी, सी टी डी को यहाँ आने के बाद उसको रीऑर्गेनाइज करना मेरा प्रायोरिटी एक एरिया है जिसको हम कर रहे हैं। आरपीओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और एक जो आपने बात की यहीं दरबार में भी यही बात हुई कि जो हमारी ट्रुप्स हैं उनके पास वो कि वो इन हमलों का मुकाबला कर सकें। इस सिलसिले में जाहिर है हम इनको थर्मल इमेजिंग कैम्प और थर्मल इमेजिंग साइट्स वगैरह इनको प्रोवाइड की हैं जो हमारे मदाफाती इलाके में थाने और चौकियाँ हैं ताकि अपना दिफा कर सकें। और अगर आप देख लें कि जब से वो प्रोवाइड हुई हैं कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, ख़ासकर मदाफाती इलाकों में। दूसरी सी टी डी की बात की आपकी ने की, तो सी टी डी को हम यहाँ रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे सूबे के हद पे। अभी इस वक्त यहाँ पे आपको दो अफसरान मेरे साथ नज़र आ रहे होंगे जो आए हैं यहाँ पे, सी टी डी बनू में भी आए हैं, फिर हमने एक यहाँ पे वज़ीरिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो ऑफिस हैं उनको खोल लें, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक काउंटर टेररिज्म फाइनेंस यूनिट बना रहे हैं जिसका काम यह है कि जो एक्सट्रॉशन वगैरह होती है उस पर ऐसा जवाब किया जा सके। तो सी टी डी इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में आपको मजीद फाल नजर आएगी। अच्छा सर, ये पोलियो के हवाले से भी जो थ्रेट भी मिल रहे होते हैं और ख़ासकर हमारे ये जवान है उसके